ये ले। तुम्हारा मॉम से कोई झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है जैसे आंटी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। आप दोनों थोड़े मुख्तलिफ हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम उन्हें। ऐसी कोई बात नहीं है ज़रियाब, मैंने फैसला किया है कि अगर आंटी से कभी कोई ज्यादती हो भी जाए तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इट्स रियली नॉट अ बिग डील। बर्दाश्त करने से कुछ नहीं होगा, बात दिल में रहकर। तो फिर इग्नोर करना सीखो और ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। और प्लीज, ये घरदारी के झगड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद भी दूर है और मुझे भी दूर रखो इससे। अच्छा ठीक है, अब आप सो जाएं और ज्यादा सोचें मत, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ओके। सुहानी से बेहतर ज़रियाब का ख्याल और कौन रख सकता है? मैंने उसकी जिम्मेदारी लगा दी है कि ज़रियाब की मेडिसिन, उसकी डाइट और हर तरह का ख्याल सुहानी रखे। एक बात कहूं आपसे? क्या बात? आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और माशाल्लाह से बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं। बिजनेसमैन तो बहुत क्लेवर होता है, हर डिसीजन सोच समझ के परख के लेता है। क्या कहना चाहती? क्या आपको नहीं लगता वलीद साहब कि आपका इकलौता बेटा छह खतरनाक बीमारी का शिकार है और उसकी जिम्मेदारी आप सुहानी को सौंप रहे हैं, एक अजनबी लड़की को? अजनबी लड़की? क्या मतलब है तुम्हारा? वो ज़रियाब की बीवी है। हाँ, वो ज़रियाब की बीवी जरूर है, लेकिन हम सब उसे अच्छी तरह नहीं जानते। क्या मतलब है? आप इधर आए, जहां बैठे मैं आपको बताती हूँ। आए। बोलो। देखिए, अभी तक इस घर में सुहानी के हुसन के कसीदे पड़े जा रहे हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में हम में से कोई नहीं जानता। क्या खराबी है उसके कैरेक्टर में? बात खराबी की नहीं है, बात किसी के कैरेक्टर को समझने की है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं, हमें नहीं मालूम। सुहानी एक अच्छी लड़की है, हमारे बेटे से मोहब्बत करती है, उसका अच्छी तरह ख्याल रखेगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। जो लड़की अपने जेवर की केयर नहीं कर सकती, वो अपने शौहर की क्या खाक केयर करेगी? फजूल बातें हैं। सुनो सायरा, ये जेवर का किस्सा मैं सुन चुका हूं, दोबारा नहीं सुनना चाहता। जेवर कहां गया मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है वलीद साहब, सेवर कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ना आपको फर्क पड़ता है ना आपके बेटे को, तो मैं फजूल में क्यों परेशान हो रही हूँ? आपने आंखें बंद रखनी है, रखें। बात आंखें बंद करने की नहीं है, इस वक्त मेरे लिए जेवर अहम नहीं है, ज़रियाब अहम है और मैं चाहता हूँ कि वो हेल्दी और हैप्पी रहे। आपको क्या लगता है, आप सुहानी को ज़रियाब का मेडिकल बॉक्स देंगे तो ज़रियाब हेल्दी और हैप्पी हो जाएगा? क्या कहना चाहती हो तुम? जब सुहानी डेली ज़रियाब को मेडिसिन खिलाएगी तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि ये मेडिसिन किस चीज की है? वो पढ़ी लिखी है, पढ़ लेगी वो। इस बात को मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें बस एक बात का ख्याल रखना है। किस बात का? तुम सुहानी को किसी और मामले में नहीं उलझाओगे। मैं नहीं चाहता कि ज़रियाब के अलावा उसका ध्यान किसी और तरफ जाए, समझी तुम? सायरा।
सुहानी जरियाब जरियाब क्या हुआ आपको? जरियाब आपकी तो तबीयत ठीक नहीं, मैं अंकल को बुलाती हूँ। जरियाब अब ठीक है? आप इतनी मुश्किल से सांस ले रहे थे, मैं तो डर गई थी। मैं ठीक हूँ। अजीब सा ख्वाब था। क्या ख्वाब? अजीब सा ख्वाब था, छोड़ दो। बताएं मुझे जरियाब, ऐसा क्या ख्वाब देखा जो आप इतना परेशान हो गए? क्या फायदा तुम्हें सुनाकर तुम्हें और परेशान कर दो। आप मुझे नहीं सुनाएंगे तो मैं तब भी परेशान होंगी, बताएं मुझे। एक अजीब सा ख्वाब था, जैसे मैं मर रहा हूं और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। ज़रियाब ऐसा कुछ नहीं होगा, देखिए मुझे, मैं यही हूं और हमेशा यही रहूंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं। सुहानी, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मुझे ऐसा ख्वाब क्यों आता है? आपका पूरे दिन मूड ऑफ था जरियाब, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच रहे थे। मैं सुबह सवेरे उठ के आपका सदका दूंगी। जो चाहे करो, लेकिन प्लीज इस ख्वाब का जिक्र किसी से मत करना। नहीं करूंगी, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा करें, अपनी कोई परेशानी मुझसे नहीं छुपाएंगे और खुश रहेंगे। चले आप सो जाएं, लेटे। अस्सलाम वालेकुम छोटी बीबी। वालेकुम अस्सलाम रानी, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। एक मिनट, मुझे तुमसे एक काम था। जी। ये लो ये कुछ पैसे हैं, रखो। ये किस लिए छोटी बीबी? जब तुम अपने घर जाओ तो अपने मोहल्ले में किसी जरूरतमंद को ये दे देना प्लीज, तुम्हारे छोटे साहब का सदका है। अच्छा, छोटी बीबी वैसे मेरी एक सहेली है, उसके वाले साहब बहुत बीमार हैं, तो मैं उनसे दे दूंगी। प्लीज याद से दे देना। बिल्कुल दे दूंगी। अच्छा, बीजी कहाँ है तुम्हारी? वो बड़े साहब के साथ बैठी हैं, आप ही की बातें चल रही हैं। अच्छा, मैं जाकर सलाम करती हूँ उनको। अच्छा छोटी बीबी, वो उन्हें साथ में ये भी बता दीजिएगा, किचन का स्विच बोर्ड खराब है। साहिरा, महज हुक्म चलाने से दिल नहीं जीते जा सकते। सुहानी अच्छी लड़की है, उसे प्यार से समझाओ, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेगी और तुम्हारी बात भी मानेगी। फलीद साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सुहानी पर हुक्म चलाती हूँ या उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ? ऐसी बात नहीं है। मैं अगर उसे कुछ कहती हूँ तो उसकी भलाई के लिए कहती हूँ। मैं तो उसे बस घरदारी सिखाना चाहती हूँ, कल को ये घर उसी ने तो संभालना है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, कल को घर तो उसी ने संभालना है, लेकिन उसे मोहब्बत से समझाओ। मोहब्बत ही एक ऐसा हथियार है जिससे दिल जीते जा सकते हैं। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। बेटा आओ मेरे पास बैठो। गुड गर्ल।
माशाल्लाह मेरी बेटी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। ज़रियाब तो अभी तक सो रहा होगा ना? ज़रियाब बस उठने ही वाले हैं, लेकिन कल रात को उनकी नींद बहुत डिस्टर्ब थी। ओह बेटा, दवाई तो उसे खिला दी थी ना? मैंने खिला दी थी, वो तो नहीं खा रहे थे, कह रहे थे कि मुझे नहीं खानी, अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने जिद करके खिला दी। देखा सायरा, हमारी सुहानी कितनी रिस्पॉन्सिबल है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ किचन की जिम्मेदारी भी सुहानी को सौंप देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, इसे अभी किचन में ना भेजो, बस ये ज़रियाब का ख्याल रखे। आंटी मैं सोच रही थी कि ज़रियाब के लिए नाश्ता आज मैं खुद बनाऊँ। शाबाश, बहुत अच्छा सोचा तुमने। बल्कि आज से तुम ज़रियाब का डाइट प्लान भी अपने हाथ में ले लो। ओ, रानी बता रही थी कि किचन का स्विच बोर्ड खराब है। बेटा उसे कहो कि खान को गेट पे कहे, वो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लाएगा। किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है, वो अपना फरीद है ना। फरीद? हाँ, सुहानी का कजन, इसकी पप्पू का बेटा। हाँ, याद आया, वो भी तो इलेक्ट्रिशियन है, बड़ा अच्छा बच्चा है। हाँ उसे बुला लो। जी, बल्कि मुझे पता चला कि यहाँ कहीं करीब में ही उसने शॉप बनाई है। हाँ तो ठीक है, उसे बुला लो। सुहानी का कजन या साबका मंगेतर? सुहानी ऐसी लड़की नहीं है, और उसके पेरेंट्स बहुत शरीफ हैं। अल्लाह करे ऐसी ना, और ये तो वक्त ही बताता है कि कौन कैसा है या कैसा नहीं। जो छोटे घरों की लड़कियां होती हैं, दिल कहीं और लगाती हैं और घर कहीं और मिसाल। सुहानी, तुम्हारे पास फरीद का नंबर तो होगा ना, कॉल करो उसे। है तो मैं सोच रही थी कि लेकिन क्या? मैं सोच रही थी मैं पहले जरा आपसे बात कर लेती हूँ। बेटा तुम्हारे अंकल ने परमिशन दे दी है, तो ज़रियाब से पूछने की क्या जरूरत है। फरीद की सभी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है। फिर तो जरूर बुलाना चाहिए उसे, इस बहाने मेरी भी मुलाकात हो जाएगी और तुम्हारी भी। मेरी? महके से कोई आता है तो लड़कियों को अच्छा लगता है, तुम्हारा कजन है, तुमसे मिलेगा तो तुम्हें तो दिल ही खुशी होगी। जी तो खुशी तो होगी, लेकिन मुझे कुछ ऑड लग रहा है। ओह तो ये बात है, तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को यहाँ बुलाना नहीं चाहती। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रिश्तों में अमीर और गरीब नहीं देखती। तो फिर मैं नाश्ता बना लूँ जरा आपके लिए, फिर हम देखते हैं। अंडा जल गया छोटी बीबी। ओ, आप जाएं, मैं नाश्ता बना दूं। नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी नाश्ता। ज़रियाब, आपका नाश्ता तैयार है, मैंने खुद बनाया है आज। तुमने बनाया खुद? आप कमरे में करेंगे या बाहर लगवा दूं? अब तुमने बनाया, तुम ही बता दो कहाँ करें। मेरे ख्याल से हमें बाहर चलना चाहिए। ओके ठीक है। ज़रियाब, आपसे एक बात कहूँ? कहो।
कहो। वो किचन का स्विच बोर्ड खराब हो गया है तो। और तुम चाहती हो कि फरीद को बुलाकर वो उसे ठीक करे? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। आंटी ने ये बात सजेस्ट की थी और अंकल भी कह रहे थे कि फरीद को बुलाओ। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती? क्योंकि आपको फरीद पसंद नहीं है इसलिए। तुम्हें तो पसंद है ना? मुझे? हाँ, तुम्हें तो पसंद है ना? क्योंकि तुमने उसका कार्ड उठा के वहां मेरे सराहने रख दिया। ज़रियाब, वो कार्ड नीचे पड़ा हुआ था, मैंने तो बस। आई नो वो नीचे पड़ा हुआ था, तो उसे उठा के डस्टबिन में फेंकना था। उसे उठाकर मेरे सर पे क्यों सवार कर दिया? आपने खुद फरीद को अपने सर पे सवार करके रखा हुआ है, उसको एक नफसियाती मसला बना दिया है। वो मेरे लिए नफसियाती मसला है? तो अपने मॉम और डैड को बोले कि इस शहर में हजारों इलेक्ट्रिशियंस हैं, फरीद को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा। चलो नाश्ता करते। मुझे भूख नहीं है ज़रियाब, आप जाएं। ज़रियाब, क्या सोच रहे हो? क्या आप लोग ने फरीद को बुलाया यहाँ काम के लिए? सुहानी कह रही थी कि नाश्ते के बाद उसे कॉल करूंगी। क्यों, कोई और नहीं है यहाँ पे? कोई और इलेक्ट्रिशियन नहीं, उसी को बुलाना जरूरी है? तो बेटा सुहानी से पूछो या अपने डैड से, जिन्होंने उसे परमिशन दी है। मैंने पूछा है उससे, वो कह रही है कि मॉम ने कहा कि उसी को बुलाओ। मैं चाहती हूँ, कहाँ है सुहानी, अभी बात कर लेते हैं। वो अपने रूम में। क्यों, तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करेगी? नाराज है मुझसे। जिससे जितना प्यार करो वो उतनी नखरे दिखाता है।